दोस्तों नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में जिसकी तलाश आपको है, चाहे वो कोई भी बंदा जो बेरोजगार है, जिसको नौकरी की तलाश है, कोई भी बंदा जो पैसे खर्च करके जगह जगह नौकरी ढूंढ रहा है, उन सबको आप हेल्प करके आप जो है अच्छी खासी इनकम कर सकते हैं। आज मैं जिस बिजनेस की बात करने जा रहा हूं दोस्तों, ये 100% प्रोफेशनल बिजनेस मॉडल है। और इसके पहले भी मैंने एक वीडियो बना रखी थी जिसको आप सभी ने बहुत प्यार दिया था, 1 लाख से ज्यादा लोगों ने उसको व्यू किया था, जो वीडियो यहाँ पे है। इस वीडियो को भी आप चाहें तो देख सकते हैं, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद से शायद इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें जो कमी थी उसको भी मैंने इसमें दूर किया है। और साथ ही साथ मैंने आपको ये भी बताया है कि इस कंप्लीट प्रोसीजर को स्टार्ट करने के लिए किन किन तरह की चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ आनंद कुमार, फाउंडर बिजनेस कोच स्टार्टअप अथॉरिटी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टार्टअप अथॉरिटी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से आप जो है एक बेहतरीन रिक्रूटमेंट एजेंसी का स्टार्टअप कर सकते हैं, कमीशन इससे कितना जबरदस्त मिल सकता है, इस वीडियो के आखिरी में मैं बताऊंगा, क्योंकि ये ऐसा पोर्शन है दोस्तों जो आपके इन्वेस्टमेंट को, जितना भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जितना भी एक्सपेंस कर रहे हैं, वो सिर्फ एक बंदे की कमीशन से आपका पूरा होने वाला है महीने का। बहुत धमाकेदार होगा, पूरा देखिएगा शुरू से लेकर अंत तक। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों अब सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस बिजनेस की जरूरत क्या है। दोस्तों बिजनेस की जरूरत बहुत तरह से है। आज हर कोई इंटरव्यू देना चाहता है, हर कोई जॉब लेना चाहता है, लेकिन उस जॉब को लेने के लिए आपको इंटरव्यू प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। मोस्टली ऐसा होता है कि आपको इंटरव्यू में सिलेक्शन नहीं होता है, क्योंकि आपके पास कम्युनिकेशन स्किल बेटर नहीं होती है, सॉफ्ट स्किल बेटर नहीं होती है, आपको नेगोशिएशन स्किल नहीं आती है, आपको बेहतर कम्युनिकेशन टेक्निक्स नहीं पते होते हैं, जिसके वजह से मैक्सिमम आप जो है रिजेक्ट हो जाते हैं। और जब आप रिजेक्ट होते हैं दोस्तों, तो इस तरह की एजेंसी की जरूरत पड़ती है, जिसके थ्रू अगर आप जाते हैं या जिससे पास होकर के आप जाते हैं, तो आपका सिलेक्शन जल्दी होगा, आप बेहतर तरीके से अपने इस पूरे सेटअप को एंजॉय कर सकेंगे, जॉब को एंजॉय कर सकेंगे, और भारत से बेरोजगारी भी जा सकती है। तो अब हम समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों कि आखिर ये चीज़ कैसे आपको करनी है और किस तरह से यहाँ पर काम हो सकता है, इसका प्रोसीजर क्या है। तो प्रोसीजर यह है दोस्तों कि एक रिक्रूटमेंट एजेंसी जो होती है वो एक कैंडिडेट्स और एक कॉर्पोरेट के बीच का एक थर्ड पार्टी वेंडर होता है। मतलब कि अगर आपके पास बंदे हैं जिनको नौकरी चाहिए, उनको आप किसी भी तरह से एजेंसी, किसी भी तरह से कॉर्पोरेट लाइफ स्टाइल में आप उनको भेजना होता है, उनको जॉब दिलाना होता है, उसके बदले में जो कॉर्पोरेट होती है वो आपको कमीशन देती है, और बहुत बड़ा कमीशन देती है दोस्तों। और इस कमीशन से आप जो है अच्छे खासे प्रॉफिट निकाल सकते हैं। और इसको हम समझते हैं, इसको हम आखिरी में समझेंगे कि कितनी तरह के प्रोसेस होंगे। लेकिन इस रिक्रूटमेंट को करने के लिए आपको 2 तरह के सेटअप की जरूरत पड़ती है। नंबर 1 कि आपको एक ट्रेनिंग सेक्शन बनाना पड़ता है, और 1 बनाना पड़ता है जो आप जॉब देने का प्रोसीजर निकालते हैं, जहां पे जॉब देते हैं। ट्रेनिंग के लिए क्या कर सकते हैं आप कि पैसा जो है आपको दोनों में मिलता है, ट्रेनिंग में भी पैसा आप ले सकते हैं, कुछ अमाउंट चार्ज कर सकते हैं। इस ट्रेनिंग में आप क्या क्या ट्रेनिंग दे सकते हैं वो हम समझते हैं। यहाँ पे आप सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग दे सकते हैं, कैसे कॉन्फिडेंटली किसी से बात किया जाए उसकी ट्रेनिंग कर सकते हैं। इसके बाद इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैसे किया जाना चाहिए, किस तरह से आपको अपने इंटरव्यूअर को रिझाना है, अपने किस तरह से बातें करनी है, उसके बारे में आप जान सकते हैं। इसके बाद से आप जो है किसी भी तरह के जो प्रॉब्लम्स है या जो सिचुएशंस है उसको हैंडल करने की कैपेसिटी आपके अंदर कितनी तरह से आप जनरेट कर सकते हैं। इसके बाद से किसी भी इंटरव्यू को क्रैक करने के जो प्लानिंग जो होती है वो कैसे कर सकते हैं, ये भी इसमें एक मैटर होता है। टाइम मैनेजमेंट कैसे होता है, निगोशिएशन स्किल कैसे होता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है दोस्तों जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो वहां पे आपको पैसा ज़्यादा कंपनी प्लान की होती है, लेकिन एचआर जो होता है वो आपसे बार्गेन करके और आपसे बहुत मिनिमम रेट पर लेकर के आता है आपको। तो सैलरी जो प्रोसेस होती है दोस्तों, वहाँ पे आपका बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है अगर आपको निगोशिएशन स्किल नहीं आती है। इसके बाद से प्रोफेशनल स्किल क्या होता है, और साथ में कुछ बेसिक कंप्यूटर स्किल जो होती है वो भी आपको ज़रूरत होती है। तो ये सारी ट्रेनिंग जो है वो एक जगह पे आप एक रिक्रूटमेंट एजेंसी के जरिए दे सकते हैं। और जैसे ही बंदा वो ट्रेनिंग लेता है और वो ट्रेनिंग कंप्लीट करता है, उसको फिर से आप जॉब प्रोसेस के अंदर, इंटरव्यू प्रोसेस के अंदर डाल सकते हैं, और इससे बंदे से अच्छा खासा कमीशन निकाल सकते हैं। कमीशन के बारे में जिक्र मैं करूंगा इस वीडियो के अंदर, लेकिन उसके पहले समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें किस किस चीज की जरूरत होती है अगर आप इस बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं। तो
तो इसमें सबसे पहला दोस्तों वो होता है कि आपके पास एक ऑफिस होना चाहिए, आपके पास एक कुछ ट्रेनिंग एरिया होना चाहिए, कुछ कॉर्पोरेट एरिया होना चाहिए। अगर ये आपका घर है तो बेटर है, क्योंकि आपके घर में अगर ये सारी चीज़ें हो रही हैं और स्पेस अच्छा है तो ये बेटर है, क्योंकि आपको रेंटिंग के पर्पज़ से पैसे नहीं देना पड़ेंगे। अब बात करते हैं कि कितने इम्प्लॉय की ज़रूरत होती है दोस्तों। तो इम्प्लॉय की अगर बात करें तो यहाँ पर 5-6-7 लोगों की ज़रूरत हो सकती है। मैं बताता हूँ कि कैसे कैसे। यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए 2 लोगों की ज़रूरत आप मान सकते हैं, क्योंकि ट्रेनिंग में अक्सर आपने देखा होगा कि एक बारी कई बारी 2 शिफ्ट में 3 शिफ्ट में ट्रेनिंग देना पड़ता है। तो अगर 2 ट्रेनर हैं तो अच्छे खासे ट्रेनिंग दे सकते हैं यहाँ पे। इसके अलावा 2 एचआर की जरूरत पड़ेगी, जो एचआर एग्जीक्यूटिव है, जो जिनका एक्सपीरियंस जो है वो एचआर डिपार्टमेंट के अंदर है। अगर आप खुद भी एचआर हैं तो वेल एंड गुड है, फिर तो कुछ पूछना ही नहीं है। लेकिन अगर नहीं है ऐसा तो भी आप चाहे तो इसको इजिली मेंटेन कर सकते हैं। अब वो कैसे कर सकते हैं उसको मैं बताता हूं, क्योंकि दोस्तों यहां पे 2 तरह के प्रोसेस होते हैं। एक होता है कि कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन, कि जैसे किसी कॉर्पोरेट को किस तरह की चीज़ों के या किस तरह की एजेंसी के जो बंदों की जरूरत है, एक रिक्वायरमेंट हो गई। तो जो पहला एजेंसी पहला चार्ज होगा वो इनसे बात करेगा कॉर्पोरेट से, जो आपको नंबर ऑफ वो रिक्वायरमेंट एनालिसिस करेगा। और दूसरा जो कैंडिडेट एनालिसिस होगी कि कैंडिडेट बेटर कैंडिडेट को कैसे लेकर के आ जाता है, क्या तरीके हैं उसके बारे में वो देखेगा और उसको कैंडिडेट को लेकर के आएगा। ये 2 तरह की चीजें को होंगी और एक बंदे की जरूरत होगी वो सेल्स एंड मार्केटिंग की। अब सेल्स एंड मार्केटिंग क्यों दोस्तों, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जहां से भी जो पैसे आपके पास आते हैं वो पैसे का जो रेंज होता है वो होता है कि टोटल एनुअल जो पैकेज होता है किसी बंदे का, उस पैकेज का 5% से लेकर 10% के बीच में आपको कमीशन मिलता है। अब इस कमीशन को बार्गेन करने के लिए कि मैक्सिमम कमीशन आपके पास आए, ज़्यादा परसेंटेज नंबर्स ज़्यादा आए, उसको बार्गेन करने के लिए एक जो है ज़रूरत पड़ता है एक सेल्स एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट की। अब हम बात कर लेते हैं कि इसमें इन्वेस्टमेंट की क्या क्या जरूरत पड़ती है। तो दोस्तों अगर बात करें तो इन्वेस्टमेंट भी यहां 2 तरह की होती है, एक फिक्स इन्वेस्टमेंट होता है और एक होता है वर्किंग कैपिटल। फिक्स इन्वेस्टमेंट क्या होता है, फिक्स इन्वेस्टमेंट वो होता है दोस्तों जो आप किसी कंपनी के अंदर आप जो है एक बार ही खर्च करते हैं। जैसे आपने अगर एक बार रेंट पर जमीन लेना है तो उसको जमीन आपके पास है तो वो चलो ठीक है, ऑफिस रिक्वायरमेंट जो भी है, ट्रेनिंग के लिए सेटअप जो कॉस्ट है वो, कंप्यूटर चाहिए, जितना भी रिक्वायरमेंट है जो फर्स्ट टाइम का है वो आपके लिए जो जरूरत की चीज़ होती है वो एक पहला रिक्वायरमेंट होता है। इसके अलावा वर्किंग कैपिटल होता है, जैसे मंथली आपको रेंट पे करना होता है, आपको जो है लोगों की सैलरी पे करनी होती है। तो ये जो है कम से कम आपको 3 महीने का टारगेट लेके चलना चाहिए कि 3 महीने तक आप जो है इसको पे कर सके, इनका पेमेंट दे सके। तो ये 2 तरह की चीजें होती है। अब बात करते हैं दोस्तों कि कमीशन कितना होता है, कमीशन किस तरह से चार्ज होता है। तो एक एग्जांपल के तौर पर अगर हम देखें तो मान के चलिए कि आपने एक बंदे को जो आईटी में काम करता है, जिसकी एनुअल इनकम, एनुअल जो सैलरी CTC जो है वो है 10 लाख रुपए, आपने ऐसे किसी बंदे को किसी आईटी में के अंदर जॉब दिला दिया। अब यहां पर ऐसा होता है दोस्तों कि 10 लाख का है, अगर 8% के हिसाब से भी आप करते हैं तो आपका 80,000 रुपए के करीब का यहां पर जो टोटल बैलेंस होता है वो बनता है एक बंदे से 1 महीने के अंदर। अब आप जो है अगर 10 बंदों को हायर करवा देते हैं तो आप कितना प्रॉफिट यहां निकाल सकते हैं, इसका एस्टिमेशन आप कर सकते हैं। अब ऐसा जरूरी नहीं कि सारे 10 लाख लोगों वाले को करेंगे, कुछ ऐसे होंगे जो 3 लाख पे जाएंगे, कुछ ऐसे होंगे जो 5 लाख पे जाएंगे, कुछ 6 लाख पे जाएंगे, उसके हिसाब से उनका कमीशन आएगा। तो दोस्तों अगर आप मान के चलो कि आपने 6 लोगों को सैलरी देनी है और 6 लोगों की सैलरी के लिए आपका टोटल एक्सपेंस जो आ रहा है वो आ रहा है 15,000 रुपये के हिसाब से लेके चलते हैं तो लगभग 90,000 रुपया हो गया। रेंट का अगर निकाल दें तो यहाँ पर आपका 10-15,000 रुपये का रेंट आ जाएगा। इसके अलावा आप जो है जो एक्सपेंस की बात करते हैं तो आप जो है 25-30,000 रुपये महीने अपने लिए या जो बिजनेस कर रहे हैं उसके लिए भी मान के चलते हैं तो टोटल जो है 1.5 लाख के करीब का आएगा। लेकिन अगर आपने 4-5 बंदों का सिलेक्शन करवा दिया, अगर उसका रेंज 10-10 लाख रुपए है तो लगभग 4 लाख रुपए की इनकम जो है वो आपके पास आने वाली है। तो इसका मतलब साफ है कि अगर आप इसको प्रॉपर तरीके से काम करते हैं तो यहां पर आप जो है एक बेहतर सोर्स जनरेट कर सकते हैं, एक बेहतर एजेंसी का स्टार्टअप कर सकते हैं जो हर किसी की जरूरत है। आज के समय में 95% लोगों की जरूरत है, क्योंकि बिजनेस में लोग बहुत कम आ रहे हैं, जॉब में बहुत ज़्यादा जा रहे हैं।
तो ऐसे में अगर आप इस लोगों को जॉब देने का बिजनेस ये शुरू करते हैं तो ये जो है काफी प्रॉफिटेबल साबित हो सकता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि अर्निंग के लिए क्या ये ही सिर्फ ऑप्शन है। इसके अलावा दोस्तों मैं बता दूं कि अर्निंग करने के लिए आपको एक चाहिए कि ट्रेनिंग प्रोग्राम से आप अर्निंग कर सकते हैं। अगर मान के चलो कि आपके पास 40 बंदे आ रहे हैं और इतने बड़े पॉपुलेशन में जिनके पास नौकरी नहीं है, 40 बंदों को लाना बहुत आसान है। अब ऐसे में अगर आप 5,000 रुपया चार्ज कर लेते हैं पर बंदे से और 2 महीने की ट्रेनिंग देते हैं और 40 बंदे रहते हैं एक बैच के अंदर, तो आप ये समझ सकते हैं कि 5,000 × 40 लगभग आपका जो है 40,000 रुपये के करीब का, 40,000 ही होता है ना, 5,000 × 40 5×4=20 200,000 हो गया। तो लगभग 200,000 रुपया जो है आप 2 महीने के अंदर यानी 100,000 रुपया एक बैच से कमा रहे हैं। अगर ऐसे 2-3 बैच आपने बना दिया तो यहाँ पर भी 2-4 लाख रुपया जो है आपको आराम से मिलने वाला है। तो इस टोटल बिजनेस को अगर मैं इंक्लूड करूँ, अगर मैं इस टोटल बिजनेस को एक साथ लेके आऊँ और देखूँ, तो यहाँ पर ट्रेनिंग और इस जॉब ऑफरिंग को दोनों को मिला करके आप कम से कम 5 से 6 लाख रुपया अर्निंग कर सकते हैं, शुद्ध मुनाफा यहां से जनरेट कर सकते हैं। लेकिन इस कंप्लीट बिजनेस को करने के लिए खुद को आपको ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी, स्किल सेट की जरूरत पड़ेगी, कैंडिडेट को जो आप लेने जा रहे हैं उनको हायर करने के लिए प्रॉपर बेहतर स्टेप की जरूरत पड़ेगी। तो अगर ये सारा कुछ आपने देखा और सारा कुछ आपने प्रॉपर तरीके से कर लिया तो ये चीज़ आपको इसके बारे में काफ़ी अच्छी चीज़ें मिल सकती है। अगर आपको कुछ भी चीज़ की ज़रूरत है या किसी भी चीज़ की ज़रूरत है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिएगा और साथ ही साथ आप मुझे अपना डिटेल शेयर कर सकते हैं, मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। मिलते हैं एक नए एपिसोड में, इसी तरह के एक नए फ्रेश एपिसोड फ्रेश वीडियो को लेकर के मैं आऊँगा आपके पास। तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाज़त। पहली बार हमारे इस चैनल को विजिट कर रहे हैं तो एक बार हमारे इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। जय भारत।